Hello dear children, welcome to my YouTube channel Aashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from transportation in animals and plants. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video updates. क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं. मैच स्ट्रक्चर्स गिवेन कॉलम फर्स्ट विद फंक्शंस गिवेन इन कॉलम सेकेंड. मतलब फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से क्या करना है, आपको मैच करना है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. इसमें डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन कराएंगे. तो इसमें देखिए, ये आपको बताया गया, देखिए ए दैट मीन्स फर्स्ट स्टोमेटा को हम किससे कॉलम सेकेंड में मैच करेंगे, ट्रांसपिरेशन से. जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए. रूट हेयर्स का क्या फंक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. और फ्लोएम का वर्क क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. तो ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें हम वन फर्स्ट को सेकेंड कॉलम से मैच कर देंगे. नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है इसमें कि पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं. द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द, तो जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेड होता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, किसके थ्रू होता है, वो आर्टरीज के थ्रू होता है. किसके थ्रू होता है, आर्टरीज. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट में हो जाएगा आर्टरीज. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन सेल्स. मतलब कौन से सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो बहुत आसान है, आपको ये पता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने जवाब दे सकते हैं. तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, किस में होता है, RBC जिसको हम कहते हैं. तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है. आर्टरीज एंड वेन्स, जो आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं आर ज्वाइंड, ठीक है, ज्वाइंड बाई अ नेटवर्क, जो एक नेटवर्क से जुड़ी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम कैपिलरीज कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं, कैपिलरीज. तो पहले में क्या हुआ आपका, आर्टरीज हो जाएगा, सेकेंड में होगा रेड ब्लड सेल होगा, ठीक है, थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, कैपिलरीज. ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके 1, 2, 3 हो गए. चलिए हम 4 देखते हैं. 4 क्या है, द राइथमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, मतलब कि हार्ट का एक्सपेंशन होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, उसको क्या कहलाता है, उसे कहते हैं हम हार्ट बीट कहते हैं. क्या कहते हैं, हार्ट बीट. तो द राइथमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देख लेते हैं. द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज, ठीक है, मेन उत्सर्जी अंग जो है ह्यूमन बीइंग का क्या है, उसको बताना है. मेन हो जाएगा आपका, क्या करता है वो, सॉरी प्रोडक्ट क्या होगा, वो यूरिया होता है. ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग थ्रू जो है एक्सक्रीशन के थ्रू यूरिया जो है वो. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. स्वेट कॉन्टेन्स वाटर एंड, इसमें बताना है जो स्वेट मतलब कि जो पसीना होता है उसमें वाटर होता है. ठीक है, वाटर कॉन्टेन्स के साथ क्या होता है, इसमें हो जाता है साल्ट्स. ठीक है, क्या होता है, साल्ट्स. ठीक है, तो पसीने के साथ क्या होता है, वाटर एंड साल्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए देखते हैं. किडनी, जो किडनीज होती हैं, एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड. ठीक है, जो किडनी होता है, जो वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से एलिमिनेट करने का काम करते हैं या बाहर निकालने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, या किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन टू लिक्विड फॉर्म कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं. क्या कहते हैं, यूरिन. ओके स्टूडेंट्स, तो पहले में हो, 6 में हो जाएगा हार्ट बीट, थर्ड में आपका यूरिया हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें. वाटर रीच्स, जो वाटर होता है रीच्स ग्रेट हाइट इन द ट्रीज
बिकॉज ऑफ सक्शन, सक्शन पुल कास्ड बाई, ठीक है, जो वाटर होता है ना वो क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, या ऊपर की ओर खींचा जाता है, वो किसके थ्रू होता है, तो वाटर रीच ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल का पुल कास्ड बाई ट्रांसपिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा, ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। अब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रो जो इन प्लांट्स में जो वाटर ट्रांसपोर्टेड होता है थ्रू, तो इसमें बताना है आपका ऑप्शन ए क्या है आपका, जाइलम, ठीक है, ऑप्शन ए जाइलम, बी क्या इन्होंने बताया, फ्लोयम हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर में प्लांट्स में जो वाटर ट्रांसपोर्टेड होता है थ्रू, इन्होंने बताया जाइलम होता है या फ्लोयम होता है। अगला ऑप्शन थर्ड क्या है, स्टोमेटा, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, रूट्स, तो आप जल्दी से बताइए, या रूट हेयर। तो इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जाइलम, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर जो है ट्रांसपोर्टेड होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, चलिए देख लेते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाई कीपिंग द प्लांट्स, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो थ्रू द रूट्स होता है, कैन बी इंक्रीज्ड बाई कीपिंग द प्लांट्स, ठीक है, उनको हम बढ़ा सकते हैं कुछ चीज़ों को कंडीशन रख के। पहला क्या इन्होंने बताया, इन द शेड, ठीक है, शेड में रह के, या फिर इन डिम लाइट, ऑप्शन सेकेंड क्या इन्होंने बताया, डिम लाइट में। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बताया, अंडर द फैन, फोर्थ ऑप्शन क्या बताया इन्होंने, कवर्ड विथ अ पॉलीथीन। तो बताइए कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो रूट तक, ठीक है, थ्रो रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड, हम बढ़ा सकते हैं बाय कीपिंग द प्लांट्स, क्या कर सकते हैं, किसके थ्रू, हम अंडर द फैन करके, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो बी वाले में हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, मतलब कि कहा जाए प्लांट और एनिमल में, ठीक है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, तो इसकी बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स और एनिमल्स, किस लिए होता है, आगे हम बताएंगे कि पौधों में और एनिमल्स में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है, तो क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू इट द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन आर मेड अवेलेबल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, इफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस इन द बॉडी द ब्लड विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इसीलिए बात करें, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स में अवेलेबल होते हैं, इफ़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस इन द बॉडी विल नॉट एबल टू सर्वाइव, ठीक है, इसीलिए जो कहा जाए ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी होता है, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो। अगला क्वेश्चन क्या है, वाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड, मतलब क्या होगा जब प्लेटलेट्स ब्लड में नहीं होंगी, तो क्या होगा, द ब्लड प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करती हैं, कौन करती हैं, आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, तो यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारे जो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगा तो इससे ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, क्या होगा, लिखा भी है, When some injuries occur, blood starts flowing, but it clots on its own.
its own. If there are no platelets, the blood will not be able to clot and keep on flowing. तो जब क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड लगातार बहता रहेगा, इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा ब्लड का, तो अल्टीमेटली काज डेथ, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाएगी. तो हमारे जो ब्लड में प्लेटलेट्स का काम जो करती हैं, या प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, ब्लड को थक्का बनाने में हेल्प करती हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. व्हाट आर एस्टोमेटा गिव टू फंक्शंस ऑफ एस्टोमेटा, मतलब कि टू फंक्शंस बताना है एस्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है, वो भी प्लांट्स में एस्टोमेटा होता है. चलिए हम देखते हैं. तो पहला फंक्शन क्या होगा, तो इसमें टू फंक्शंस पूछा गया है. तो देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लोअर सरफेस, मतलब जो छोटे छोटे लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं. ठीक है, ऑन द लीव्स दीज पोर्स आर कॉल्ड, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं. द टिनी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड एस्टोमेटा. ठीक है, अब एस्टोमेटा के फंक्शन क्या होते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या फंक्शन होते हैं. दीज ओपन ओपनिंग्स आर सराउंडेड विद गॉड सेल, मतलब चारों तरफ गॉड सेल से ये बिल्कुल सराउंडेड होते हैं, ये खुले हुए होते हैं. ठीक है, जैसे फंक्शन की बात करें, फंक्शंस ऑफ एस्टोमेटा, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन उन्होंने क्या बताया, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर टू लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन में जो एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, ये पहला फंक्शन हो गया आपका. ठीक है, सेकंड की बात करें, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एस्टोमेटा क्या करते हैं, creates an upward pull and suction pull which help the absorption of water from the roots. ठीक है, कहा जाए roots के थ्रू water का जो absorption होता है, ठीक है, ऊपर की ओर खींचते हैं, वो किसके थ्रू होता है, वो estomata के ही थ्रू होता है. ठीक है, आगे देखिए, they help in exchange of gaseous, और भी बहुत बहुत important function है कि गैसेस के एक्सचेंज होने में, जैसे आपको पता भी है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू जो क्या करते हैं, प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स, एक्सप्लेन करिए. उन्होंने क्या बताया कि डज ट्रांसपिरेशन जो है वो सर्व करता है एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स, तो उसको एक्सप्लेन करिए. तो ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा, चलिए हम देख लेते हैं. उन्होंने क्या कहा, इट हेल्प टू इनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स बाई क्रिएशन ऑफ सक्शन पुल. ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इट हेल्प इनहेंस और द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स बाई क्रिएशन ऑफ सक्शन पुल. ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या है, इन्होंने कहा, इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ द एक्सेस वाटर. और भी बात करें, इट हेल्प इन द गेटिंग रिड ऑफ द एक्सेस वाटर को भी हेल्प करते हैं, गेटिंग रिड. ठीक है, आगे देखिए, ये आपके टू फंक्शन हो गए. आगे बात करते हैं, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मतलब कि क्या बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करते हैं. टू लीव्स एंड लीव्स यूज द वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ये पौधों तक जो ट्रांसपोर्ट मिनरल्स का होता है पौधों की पत्तियों में, और पत्तियां फिर क्या करती हैं, वाटर को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज करती हैं, या फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करती हैं. अगला क्वेश्चन 4 क्या है ऑप्शन, चलिए देखते हैं. 4 फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट्स. ठीक है, ये पौधे को कूलिंग प्रोवाइड करती हैं, या कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, कौन, ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो ये आपके 4 फंक्शन हो गए. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के
कौन से कंपोनेंट्स हैं उसको बताना है। चलिए देखते हैं, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो पहला इन्होंने बताया देयर आर फोर कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स हैं? देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, चार कंपोनेंट हैं ब्लड के। तो पहला कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो मेनली जो है फोर कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है ब्लड। पहले इन्होंने बताया प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड विच इज़ येलोविश इन कलर एंड कॉन्टेन 90% वाटर। इट कॉन्टेन्स ब्लड फूड वगैरह होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, वेस्ट एंड प्रोटीन्स। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो येलोविश कलर में होता है जिसमें 90% वाटर होता है और उसमें क्या होता है, फूड, एंजाइम्स, वेस्ट एंड प्रोटीन्स। यस, नेक्स्ट बात करें रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप्ड सेल कॉन्टेनिंग रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसमें रेड ब्लड में क्या होता है, एक रेड पिगमेंट होता है, उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, इसका शेप जो होता है वो डिस्क शेप्ड होता है। ठीक है, उसमें रेड कलर पिगमेंट होता है, उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये आपके दूसरे हो गए। नेक्स्ट क्या इन्होंने बताया, हीमोग्लोबिन जो क्या करता है, हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन द हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए टू कंपोनेंट हो गए। अगला क्या है, थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, वाइट ब्लड सेल्स आर वाइट सेल्स विच प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फॉरेन मटेरियल काजिंग इन्फेक्शंस। मतलब कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमें जर्म्स और बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करती हैं, जिन्हें हम WBCs कहते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, हमारे जर्म्स और इन्फेक्शन से बचाती हैं। अगली बात करें फोर क्या है, फोर चलिए देख लेते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स फोर कंपोनेंट क्या है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को मैंने भी पढ़ा भी है, प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है कि ब्लड को इंजर्ड होने के बाद ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाई इज़ ब्लड नीडेड बाई आल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि व्हाई इज़ ब्लड नीडेड बाई आल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। ठीक है, उसके बारे में बताना है, बात करते हैं। ब्लड इज नीडेड बाई आल द पार्ट्स ऑफ बॉडी बिकॉज इट कॉन्टेन्स डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन इन इट। क्योंकि उसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टेड फूड भी होते हैं और ऑक्सीजन भी उसी में डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो इसीलिए। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। आगे देखते हैं, तो ब्लड इज क्यों ज़रूरी होता है इसके बारे में बताया। फिर क्या होता है इसमें बताया, इट सप्लाइज द ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू प्रोवाइड इसेंशियल एनर्जी टू देम विच हेल्प्स द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करता है, इट सप्लाई द ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और क्या करता है, प्रोवाइड इसेंशियल एनर्जी टू देम विच हेल्प द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। इसीलिए हमारी बॉडी वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड। मतलब कि व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड, उसके बारे में बताना है। चलिए देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए देखिए इन्होंने क्या बताया, अ रेड पिगमेंट कॉल हीमोग्लोबिन। वो हेलो हीमोग्लोबिन क्या करता है, गिव्स द ब्लड इट्स रेड कलर। क्यों, दिस पिगमेंट हेल्प इन कैरिंग ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाई ब्लड। क्या करते हैं, दिस पिगमेंट्स हेल्प इन आ कैरिंग ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बाई ब्लड। ठीक है, बहुत सारे कहा जाए ऑक्सीजन वगैरह हैं। ठीक है, और वेरियस पार्ट तक ब्लड के ले जाने का काम करते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या होता है, उसको डिस्क्राइब करना बताया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या है इन्होंने क्या बताया, द राइट ऑरिसल एंड वेंट्रिकल रिसीव ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द
बॉडी, ठीक है, जो राइट अरिसल होता है वो एंड वेंटिसल रिसीव क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ऑल विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर क्या होता है, द कलेक्टेड ब्लड इज पम्प्ड टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। फिर क्या होता है, इन लंग्स द एक्सचेंजेस ऑफ गैस टेक प्लेस एंड प्यूरिफाइड ब्लड इज सेंट बैक टू लेफ्ट ऑरिसल, ठीक है। फिर ये इस प्रोसेस से कहा जाए ह्यूमन हार्ट में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन लंग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एंड प्यूरिफाइड ब्लड इज सेंट बाय, फिर क्या होता है, इट पम्प्स इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल विच इन टर्न पम्प्स ऑफ द प्यूरिफाइड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू एरेटरीज, ठीक है। तो ये ह्यूमन हार्ट का एक नॉर्मल क्या हुआ, ये ब्लड सर्कुलेशन हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी होता है, हमारे बॉडी से निकलना क्यों ज़रूरी होता है, उसके बारे में बताया गया है। इन्होंने बताया कि सर्टेन वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, वेस्ट हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, आर फॉर्म ड्यूरिंग फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, मतलब जब बॉडी हमारी फंक्शनिंग करती है तो क्या करते हैं, टॉक्सिक हैं या वेस्ट प्रोडक्ट उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया है जैसे, ठीक है, एटसेट्रा, इन्हें क्या करते हैं, आर ये क्या होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। इसीलिए कहा जाए, इन्होंने बताया व्हाई इज नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, तो सर्टेन वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग फंक्शन। तो इन्होंने क्या बताया, व्हेन दीज टॉक्सिक मटेरियल्स आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ये टॉक्सिक मटेरियल ये बॉडी के थ्रू हमें नहीं रिमूव करेंगे और ये क्या हो जाएंगे, ये ब्लड के साथ मिक्स हो गए तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे सेल को डैमेज कर देते हैं, हमारे बॉडी के सेल को डैमेज कर देते हैं। और इसीलिए कहा जाए इट इज़ नेसेसरी, इसीलिए ये ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये पॉइजनस वेस्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं और ये हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। इसीलिए जो कहा जाए जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, ठीक है, या वेस्ट मटेरियल हैं, अपनी बॉडी से रिमूव कर दे करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। ड्रा ए डाइग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स, ठीक है, मतलब कि उत्सर्जन तंत्र का एक डायग्राम बताना है और उन्हें क्या बताया है, इन्होंने लेबल्ड भी करना है, वेरियस पार्ट्स को बताना भी है। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखिए आपका क्या हुआ, ये ह्यूमन किडनी या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, ऊपर हो जाएगा किडनी हो गया, फिर रेनल वेन हो गई आपकी, यूरेटर हो गया ये आपका, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथरा हो गया और यूरिनरी ओपनिंग हो गया और ये रेनल अरटरी हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो विद अदर्स हु दे कैन लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट। अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।